So hello everyone, this is Pranav Sharma and welcome to my class. Guys, आप लोग विमान बायोलॉजी चैनल पर हो और हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अलग अलग टाइप की ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. लास्ट लेक्चर्स में हमने जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, उनके कर्व, उनके इक्वेशंस के बारे में हमने बात की थी. आज हम ग्रोथ रेट्स के बारे में बात करेंगे. जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ग्रोथ रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट का मतलब होता है इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. क्या मतलब होता है? सिंपली इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ग्रोथ में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट बोलते हैं. ठीक है, पर यूनिट टाइम. तो ये तो बेसिक अपना डेफिनेशन हो गई. लेकिन आपको याद है कि हमने अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग इक्वेशंस पढ़े थे. जैसे कि अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो अरिथमेटिक ग्रोथ एक इक्वेशन फॉलो करती है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी. ठीक है, तो यहाँ पर एक आर आ रहा है. दूसरा हमने जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा था. जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है वो भी एक इक्वेशन फॉलो करती है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी. यहाँ पर भी आर आ रहा है. तो ये आर क्या है गाइस? इस आर के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो यहाँ पर जो R लिखा हुआ है गाइस, ये R का मतलब होता है आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट. वैसे मैंने आपको बताया था कि R वहां पर ग्रोथ रेट है, लेकिन एक्चुअली ये कौन सी ग्रोथ रेट है? ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है गाइस. कौन सी ग्रोथ रेट है? रिलेटिव ग्रोथ रेट. अब अभी हम समझेंगे, दोनों के बारे में बीच में अंतर क्लियर करेंगे कि रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है. इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं कि भाई ग्रोथ रेट एक्चुअली है क्या. कभी कम या कभी ज्यादा हो सकती है, हमेशा एक जैसी रहती है? तो देखो, कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट का अपना एक जेनेटिक मेकअप रहता है, उसका खुद का ही डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, उसके अंदर हार्मोन्स का अपना अमाउंट रहता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक किस रेट पे हो रही है, उस मेटाबॉलिज्म की एक अपनी रेट होती है, उसके अपने कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं. तो इन सब चीजों की वजह से एक प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की जो एबिलिटी होती है नई सेल बनाने की, अपनी ग्रोथ करने की एबिलिटी, वो अलग अलग होती है. और बेसिकली जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? नया प्लांट मटेरियल बनाने की वजह से. जब भी ग्रोथ हो रही है तो वो क्या करेगा, प्लांट क्या कर रहा है? बेसिकली नया प्लांट मटेरियल बना रहा है. तो एक्चुअली ये किसका मेजर है, उसी को हम रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं. तो रिलेटिव ग्रोथ रेट किस चीज का मेजर है? बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी. इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट. इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट. मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द प्लांट. कौन सी एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एबिलिटी की बात कर रहे हैं प्लांट की, एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू प्लांट मटेरियल. एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू सिंथेसाइज न्यू प्लांट मटेरियल. यानी कि ग्रोथ के अंदर क्या होगा, प्लांट को नया प्लांट मटेरियल बनाना पड़ेगा. कोई प्लांट कितना नया मटेरियल बना पा रहा है पर यूनिट टाइम? ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना नया मटेरियल बना पा रहा है, कितनी नए मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सारी चीजें बना पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलेंगे. इसके लिए एक और नाम भी दिया जाता है गाइस, और उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी इंडेक्स. क्या बोलते हैं इसको? हम इफिशियंसी इंडेक्स भी बोल सकते हैं. यानी कि कोई प्लांट ग्रोथ में कितना ज्यादा इफिशियंट है, कितनी अच्छे से वो ग्रोथ कर सकता है, उसको हम इफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं. तो इस तरह से आपकी ग्रोथ रेट होती है. और जो भी कोई प्लांट होता है, एक पॉइंट यहाँ पे आपको और याद रख लेना है कि इन्हीं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग किसी प्लांट का जो फाइनल, किसी भी प्लांट का कोई ऑर्गन है, कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसकी फाइनल साइज किस पे डिपेंड करती है? ओवरऑल जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी इनिशियल साइज पे डिपेंड करती है. क्योंकि पहले कितना था उससे वो कितना ज्यादा आगे बढ़ गया. क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एल टी क्या है, फाइनल है, डब्ल्यू टी क्या है, फाइनल है, लेकिन दोनों की इक्वेशन में क्या है? इनिशियल साइज, इनिशियल लेंथ प्रेजेंट है. एल नॉट, W नॉट, ये प्रेजेंट है. R तो क्या है, एक प्लांट के लिए फिक्स है, टाइम भी फिक्स है ना. लेकिन किसी एक ऑर्गन की जब हम बात करें तो उसकी ओवरऑल साइज किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल साइज पे डिपेंड करती है. ओवरऑल साइज डिपेंड्स ऑन इनिशियल साइज. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज के लिए इसी तरह से समझ में रखने, याद रखने, इनिशियल साइज.
समझ में तो आई गया होगा किस तरह से इनिशियल साइज पर फाइनल ओवरऑल साइज एक ऑर्गन की डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई गाइस सबको? अब ये किसी भी लिविंग सिस्टम की कोई ग्रोथ है, ठीक है, जो लिविंग सिस्टम की ग्रोथ है उसको हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, या ग्रोथ रेट को हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट को दो तरह से बता सकते हैं, एक तो मैंने आपको जैसे बताया ही है ना, एक तो कौन सी हो सकती है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। कौन सी हो सकती है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें हम किसी ना किसी के साथ इसको रिलेट करेंगे, तो हम रिलेट करेंगे पुरानी साइज से। पुरानी साइज से रिलेट करके जब हम देखेंगे कि पहले से कितना ज्यादा बढ़ा, है ना, देखो ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, है ना। अब बढ़ने को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो क्या टोटल कितना बढ़ा, है ना, टोटल कितनी ग्रोथ हुई, और एक हम देख सकते हैं कि पहले से कितनी ग्रोथ हुई, है ना। जैसे मान के चलो आपका वजन 50 किलो है ना, तो टोटल 50 किलो आपका वजन है, तो आपकी शुरुआत से जब से ग्रोथ हुई होगी टोटल ग्रोथ कितनी हुई है 50 किलो के आसपास, तो वो तो क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट वेट हो गया, है ना। और मान के चलो पिछले महीने आपका वजन 45 किलोग्राम था और अभी कितना हो गया 50 किलो, तो कितना बढ़ा, 5 किलो बढ़ा, वो 5 किलो क्या होगा आपका रिलेटिव ग्रोथ होगी, रिलेटिव वेट होगा। इसी तरह से हम जब ग्रोथ को भी बात करते हैं तो दो तरह से बात कर सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और दूसरा आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो इसको सिंपल आप हिंदी में ऐसे ही समझ लो कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है टोटल कितना बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा, ये क्या है आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ है, ठीक है। और अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि पहले से कितना बढ़ा, पहले से कितना बढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके गाइस। तो एक एक करके हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करेंगे। पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइस लेट्स टेक अ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है? तो गाइस ओवरऑल ग्रोथ की जब हम बात करेंगे, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, किसकी बात करेंगे, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अगर हम बात कर रहे हैं टोटल ग्रोथ की, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर हम किसी एक कॉमन बेसिस को ले लेते हैं, कोई एक चीज ले लिया इनिशियल पैरामीटर से, इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर करके हम देखेंगे कि इनिशियल पैरामीटर से कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं किसकी, रिलेटिव ग्रोथ रेट की, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। यहां पर भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है ये, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगी, तो वही चीज है, पर यूनिट टाइम में जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम ऑन ए कॉमन बेसिस, कोई भी एक कॉमन पैरामीटर ले लो आप, कॉमन बेसिस, उससे कंपेयर करके देखेंगे तो हमको कौन सी ग्रोथ मिलेगी, हमको रिलेटिव ग्रोथ मिलेगी। एग्जांपल के लिए जैसे हम कोई भी ले सकते हैं, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कोई भी इनिशियल पैरामीटर शुरुआत में कितना था, उससे कंपेयर करके कितनी ग्रोथ हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो डेफिनेशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब हम एक ही एग्जांपल के साथ इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मान के चलो आपके पास दो पत्तियां हैं, ठीक है, एक पत्ती हमने यहां पर बना लेते हैं, ये एक पत्ती है आपके पास, ठीक है, ये है आपकी लीफ ए, ठीक है, और एक दूसरी पत्ती भी है आपके पास, ये है आपकी लीफ बी, ये दो पत्तियां हैं आपके पास, लीफ ए और लीफ बी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको मालूम है कि लीफ की जो ग्रोथ मापी जाती है वो किसके अकॉर्डिंग मापी जाती है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। हमने मेजरमेंट और पैरामीटर्स में ऑफ ग्रोथ में इसके बारे में पढ़ा है, आप लास्ट वीडियो जाकर के चेक कर सकते हो,
सरफेस एरिया से हम लीफ की ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये दो पत्तियां रख ली और ये दो पत्तियों को हमने कुछ टाइम के लिए ग्रो होने दिया। अब हम सोच रहे हैं कि चलो पत्ती ग्रो होगी, है ना। शुरुआत में जब हमने इन पत्तियों को देखा, आज के दिन हम इस पत्तियों को देख रहे हैं, तो इस पूरी पत्ती का जो आपका सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये थोड़ी बड़ी पत्ती है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका मान लेता हूँ, उतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ कितना था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था। फॉर एग्जाम्पल बड़ी है तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया था और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। क्लियर है? अब क्या होगा गाइज, हमने इनको 8-10 दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब छोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों के अंदर ग्रोथ होगी, तो इसके अंदर भी ग्रोथ हुई और ये पत्ती का सरफेस एरिया बढ़ गया। इस पत्ती का सरफेस एरिया बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो अब इसका फाइनल सरफेस एरिया हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से इस पत्ती में भी ग्रोथ हुई। ठीक है, इस पत्ती की भी ग्रोथ बता देता हूं मैं आपको, इस पत्ती में भी ग्रोथ हुई और इस पत्ती का स्पाइनल सरफेस एरिया बढ़कर के हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 10 दिन के बाद ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। शुरू में इसका 50 था और उन्हीं 10 दिन के बाद इनका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं एक एक करके एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की, पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है गाइज, जैसे कि नाम से आपको पता है, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक दिन में मान के चलो हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो टोटल ग्रोथ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में टोटल ग्रोथ, तो बताओ भैया कि कुछ दिनों के बाद जब हमने देखा तो इसको टोटल कितना सरफेस एरिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बढ़ा कितना, टोटल कितना बढ़ा, मैंने क्या बोला था आपको, सिंपल क्या याद रखना है, टोटल कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। तो लीफ ए के लिए आपका टोटल एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी हो गई, आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हो गई लीफ ए के लिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल बढ़ा हुआ है ना, टोटल बढ़त कितनी मिली उसको, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीफ बी की बात करें तो पहले कितना था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना बढ़ा, फिर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों लीफ के लिए, चाहे हम लीफ की ए की बात करें या बी की बात करें, तो दोनों के लिए कितना हुआ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना बढ़ा, 5, है ना, और ये भी कितना बढ़ा, 5। तो ये टोटल कितना बढ़ा उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं। लेकिन सेम टाइम पर अगर हम बात करें आपके रिलेटिव ग्रोथ रेट की, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट डिपेंड करती है इनिशियल पैरामीटर पर, यानी कि पहले से कितना बढ़ा वो हमें देखना है। तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेटिव ग्रोथ रेट। ओके गाइस, सो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगी, रिलेटिव ग्रोथ रेट के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना होता है, दैट रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR इज इक्वल टू ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर, हमको यहां पर यूज करना पड़ेगा अपॉन इनिशियल, तभी तो पता चलेगा ना कि पहले से कितना बढ़ा, अपॉन इनिशियल साइज इनटू परसेंटेज। मगर आपको निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, परसेंटेज मगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की दोनों लीफ ए और बी के लिए, है ना। तो लीफ ए के लिए रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी हो गई, देखो ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितनी हुई थी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10 में से 5 कम जाएगा, कितनी ग्रोथ हुई थी, 5 सेंटीमीटर हुई थी ना, तो 10 माइनस 5
इतनी ग्रोथ हुई थी पर यूनिट टाइम पे, लेकिन साथ साथ में हमें इंक्लूड क्या करना है, इनिशियल साइज। तो इनिशियल साइज कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी ग्रोथ हुई, 100% ग्रोथ हुई। हुई कि नहीं हुई, टोटल डबल हो गया था 5 से 10, तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई, रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई, 100% किसकी, लीफ ए की। उसी तरह से अगर हम लीफ बी की बात करें तो लीफ बी में देख लो आप फिर से, ऊपर तो क्या लेना है अपने को, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था 55, इनिशियल कितना था 50, डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज। इनिशियल साइज कितना है 50 × 100, यानी कि 5/50 × 100, तो कितनी ग्रोथ हुई, 10%। तो अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो लीफ बी की रिलेटिव ग्रोथ रेट होगी 10% और लीफ ए की होगी 100%। समझ में आया, क्या पता लगाना है हमें, पहले से कितना बढ़ा, पहले से कितना, तो देखो पहले कितना था 50, 50 से कितना बढ़ा 5, यानी कि कितना बढ़ा, सीधी सी बात है 10%, है ना। पहले कितना था 5, कितना बढ़ा 5, यानी कि कितना बढ़ा पहले से 100%। बात समझ में आ गई, टोटल कितना बढ़ा, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो वो क्या हो गई आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो इस तरह से सिर्फ पैरामीटर्स को यूज करके, इनिशियल पैरामीटर से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ रेट आ जाती है। तो इस तरह से किसी प्लांट के ऑर्गन की हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने को आ सकते हैं, तो आप इजीली इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो विद द सेम एग्जाम्पल। इसी तरह के एग्जाम्पल आपको लेंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपको एक रूट दी गई है, ठीक है, एक रूट है, रूट का यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है ना, रूट का यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है, ओके, और शुरुआत में मान के चलो इसकी लेंथ कितनी है, आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद, मान के चलो 10 दिनों के बाद इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 10 दिनों के बाद टोटल लेंथ हो गई मान के चलो 20 सेंटीमीटर। कितने दिनों के बाद, आफ्टर 10 डेज। और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका AGR यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी होगी और RGR यानी कि रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी होगी। तो AGR कितनी होती है, टोटल कितना बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है, पहले बाद में 20 हो गया, पहले 10 था, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हो गई, 20 - 10 = 10 cm² per day, यही हुई ना। और रिलेटिव ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो हमें इनिशियल साइज भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि 20 - 10 / इनिशियल साइज कितनी थी, इनिशियल साइज इज 10 × 100, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10/10, यानी कि 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट, या फिर हम इसको सीधा 100 भी बोल सकते हैं। 10/10 था ना, तो कितनी हो गई 1, रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी हुई, टोटल 1। 100 अगर परसेंट में नहीं निकालना है तो 1 भी हो सकती है। तो आई होप आपको इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो गाइस, दिस इज प्रणव शर्मा एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताता हूँ, बेसिक तरीके से आसान तरीका था, आप इजीली ज्यादा से ज्यादा नीट में स्कोर कर पाए। तो थैंक यू गाइस, दिस इज प्रणव शर्मा साइनिंग ऑफ।